प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि मैं पहुँच गया था 7 बजे एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, ईजिली चेक इन हो जाता है, लेकिन वहाँ पे अचानक से जैसे मैं गया काउंटर में कुछ इंडियंस गए तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर दिया रशियंस को, सिर्फ रशियन को अभी पहले जाने देंगे, मीन तो लोग का बोर्डिंग पास चलता है तो पहले रशियंस को दिए, उसके बाद फिर जिसके पास रेजिडेंट वीज़ा है, फिर वर्क वीज़ा है, फिर एंड में जाकर फिर उसको दिए एकदम 12 बजे, 1 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो रहा था, 12 बजे फिर उन्होंने इंडियन मेरा टूरिस्ट वीज़ा मेरे हिसाब से 7 मार्च हो गया, उन लोगों को अलाउ किया, एकदम भागते 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 जाना पड़ा, उसी की वजह से लाउंज में डिनर भी नहीं कर पाए और एकदम बस जैसे तैसे करके पहुँच गए, मैंने जस्ट मेड इट। तो अभी चलो देखते हैं क्या करना है, ये जैसा वॉशरूम है यहाँ का, अगर आप सिगरेट पीते तो यहाँ पे पता चल जाएगा, सेंसर है, वॉशरूम यूज़ तो मुझे करना नहीं, मुझे एक्चुअली चाहिए ब्रश, ब्रश चाहिए, ब्रश कहाँ गया, ब्रश तो होना चाहिए, जो इस वक्त मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ।
सो फाइनली इमिग्रेशन मैंने क्लियर कर लिया है। काफ़ी देर बाद अराउंड लाइक 3 घंटे बाद इमिग्रेशन क्लियर हुआ, सारे इंडियंस को रोक दिया। पता नहीं क्यों, हम लोग जब आए तो टूरिस्ट वीज़ा 6 लोग थे, 6 ऊपर 6 को रोक दिया था। और उसके बाद 3 घंटा वेट करने का बोला, वेट करना, कुछ लोग को इंटरव्यू करवाए, मेरा तो इंटरव्यू खैर हुआ नहीं। 3 घंटे बाद लेके इतना पासपोर्ट से नाम बुलाए और फिर बोला ओके को, सो ऑफिशियली मैं रशिया में एंटर कर चुका हूँ। सो चलते हैं, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं चला कि कार्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, रशियन कार्ड आई मीन इंडियन कार्ड काम कर रहा है या नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो वीज़ा और मास्टर कार्ड बंद हो गया, तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं डॉलर, कुछ लिमिटेड ही डॉलर है। काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है व्लॉग अभी। यहाँ पर पहले जाना है करेंसी एक्सचेंज में, देखना है क्या बोल रहे हो। अगर कार्ड काम करता तो फिर बहुत अच्छा बात है, कार्ड नहीं काम करा तो फिर गया एकदम बचा बचा कर खर्च करना पड़ेगा। वेट कर रहा हूँ, 2-3 लोग और कुछ इंडियंस थे वो भी मॉस्को में ही रहने वाले, तो साथ में एक बार देखते तो ईजी होगा। ये इमिग्रेशन, हम लोग अभी यहाँ पे एटीएम ढूंढ रहे हैं, कैश का प्रॉब्लम हो गया, कैश निकल नहीं रहा है अभी तक, एटीएम ढूंढ रहे हैं। ये एक टर्मिनल पे आए, यहाँ पे बोला दूसरा टर्मिनल में जाना है, काफ़ी प्रॉब्लम हो गया यार ये एटीएम बंद हो के। ये इनकी फ्रेंड है, वो वहाँ हम लोगों का हेल्प कर रही है, हम लोग INR में इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, इनके फ्रेंड को, ये भाई को, और वो हम लोगों को रूबल दे सकती है, लेकिन रेट का पता नहीं, बट फिर भी इमरजेंसी के लिए वो ले ही सकते हैं। ये वाला टर्मिनल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है ये वाला टर्मिनल। अभी ATM हंटिंग हो रहा है, देखते हैं कब मिलेगा, कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसी पैसे से मैनेज करना पड़ेगा, वेरी डिफिकल्ट। ओके, ये जा रही है दूसरे टर्मिनल में चेक करने के लिए वहाँ पे कोई ATM है या नहीं। ठीक है चलो वेट कर लेते हैं। ये भाई सबसे महान है आए बिना डॉलर लेकर, एक भी पैसा नहीं, सिर्फ कार्ड लेकर आ गए। हम लोग के पास तो कुछ पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है। प्लेन में गए थे तो प्लेन में मुझे बोला कि पहले बोर्डिंग पास लेके आओ। बोर्डिंग पास के चक्कर में बोर्डिंग पास लेके गए तो देख रहे कितना जल्दी जल्दी हो गया, तो मना कर दिया कि रूबल ख़त्म हो गया हमारे पास, बहुत इशू है, ये सारा इशू एयरपोर्ट के चक्कर में हुआ। ये तो सब कुछ नॉर्मल, मैं आया तो वेल टाइम 7 o'clock में आ गया था, सारा कुछ मैं क्लियर कर लूँगा, वो सब घबरा दिया। चलो कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट हो ही जाएगा। यैंडेक्स देखो ना कितना है, यैंडेक्स ऐप है, यैंडेक्स नहीं, यैंडेक्स देखो नहीं हो तो एरो एक्सप्रेस से चले जाएंगे बेलोरूस की। एक मनी एक्सचेंज मिला है, चलो देखते हैं कि वहाँ पे INR लेंगे या नहीं। INR का वैल्यू अभी फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे रेट काफ़ी ख़राब दे रहा है, एक USD का 80 जबकि 110 चल रहा है अभी। कितना है डॉलर, इंडियन रुपीस व्हाट इज द स्कोल को फोर इंडिया 10 rupees फॉर रूबल, ये तो बहुत खराब दे रहे हैं। डॉलर $10, ये बोले 10 INR देंगे तो 4 rubles मिलेगा, तो बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लूट मचा रखा है इन लोगों ने। 80 एक USD 80 देगा। ओके यूरो कांट सी, यूरो 90। अच्छा भाई ये यूरो का अच्छा है रेट। ओके भाई यूरो का रेट अच्छा है, 90 दे रहे हैं, ऐसे तो मार्केट में 84 है फ़िलहाल, ख़राब नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो तो यूरो दे देंगे। यहाँ पर पूछ लेते हैं मिनिमम कितना यूरो देना पड़ेगा, हाउ मच मिनिमम
हाउ मच मिनिमम? मिनिमम 1 यूरो 2 यूरो हाउ मच एक्सचेंज? 1 यूरो 1 यूरो ओके ओके। तो ये बता रही कि 1 यूरो भी चलेगा, अगर 1 यूरो भी इनको देंगे तो ये चेंज कर देंगे, तो चलो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, अभी काम चल जाएगा काफ़ी। अगर कुछ काम नहीं बनता वो लोगों से तो यहाँ पे आके हम एक्सचेंज कर लेंगे। चेंज एक्सप्रेस आउट ऑफ सर्विस, अरे यार है लेकिन आउट ऑफ सर्विस हो गया, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। हम लोग इंडियन हैं, जुगाड़ तो करना हम लोग को खून में हम लोगों का। बहुत वॉक कर लिए, इतना वॉक बोल नहीं सकते। कल शाम 7 बजे से एयरपोर्ट आए थे, वहाँ पे खड़े थे 7 बजे से, फिर रात का 12 बजे उन लोगों ने बोर्डिंग पास दिया, 1:30 बजे तक दौड़ते दौड़ते भागते भागते एक टर्मिनल से सिक्योरिटी चेक इन, हालत ख़राब हो गया। फिर आज सुबह 5 बजे पहुँच गए थे हम लोग एयरपोर्ट, फिर वहाँ से उन लोगों ने बाहर खड़ा करवा दिया। अभी अराउंड 11:12 बज रहा है अभी तक चल ही रहे हैं। चलो लेट्स सी, रूबल भूल जाओ, रूबल बहुत ख़राब दे रहा है INR। 1.10 इंडियन रुपीज़ देंगे तो 4 रूबल देगा, ये दिमाग ख़राब है इन लोगों का। और यूरो का है 1 यूरो का 90, $80, उनका वेट करते हैं। तो गाइज गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल मुझे एक बैंक मिला, मैंने बस यहाँ पे आया था तो सोचा एक बार चेक कर लेते ये काम कर रहे या नहीं ये वाला ATM, तो कार्ड डाला तो ये कार्ड काम कर गया, तो पैसा भी निकल रहा है, तो अभी फ़िलहाल तो कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला इस चीज़ से मुझे। और अभी मैं हूँ यहाँ एयरपोर्ट में, वही टर्मिनल सी में ही हूँ, कुछ ऐसा है एयरपोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट में से बोल सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है ये वाला, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ से। देखो स्क्रीन लगा है, काफ़ी बड़ा स्क्रीन है। अब चलते हैं एरो एक्सप्रेस में, ट्रेन लेते हैं सीधा सीधा हॉस्टल जाएंगे, अब बैंक का भी और कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब बाद में मिलते हैं पहुँच के। अभी मुझे सिम कार्ड लेना है, मैं आ गया हूँ यहाँ पे मेगाफोन के काउंटर में, यहाँ पे सिम कार्ड मैंने पहले भी लिया था, तो चलो देखते हैं आज कितना प्राइस है मेगाफोन का। स्कूल को सिम कार्ड 700 रुपये, इंग्लिश की 700 रशियन रूबल, 700 रूबल, अनलिमिटेड 30 GB, 40 GB, यस अनलिमिटेड नहीं है, ни у одного оператора нет без лимита 30 GB, 30 GB only 30 अनलिमिटेड, 30 GB का ही दे रहे मुझे, अनलिमिटेड चाहिए, 30 GB में क्या होगा, चलो देखते हैं कुछ तो। सिम कार्ड नहीं तो अभी शहर से जाकर लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो गया। इतना दूर चलने के बाद अभी वापस से फिर आगे जाना होगा टर्मिनल डी से, फिर सिम कार्ड लेना होगा। अभी फ़िलहाल KFC पे गए थे, KFC पे गए, फिर बर्गर किंग पे गए, वहाँ पे सब जगह बोला यहाँ पे चिकन हलाल नहीं है। पहले एक भाई ने बोला कि हलाल है, लेकिन उसके बाद वो कंफर्म किया, दोनों ही मुसलमान थे, उज़्बेकिस्तान से थे, फिर बोले नहीं हलाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आए सिम कार्ड लेने के लिए, चलो देखते हैं यहाँ पे होगा या नहीं होगा सिम कार्ड, ट्राई करते हैं, MTS को होना तो चाहिए। बंद सर्विस इन इंग्लिश लगता है, बंद है, हाँ 1:15 से 1:45 बंद है, तो यहाँ पे हो गए नहीं होगा। हाँ सिम कार्ड अनलिमिटेड, अनलिमिटेड इंटरनेट, हाँ नो वी डोंट हैव अनलिमिटेड इंटरनेट, देन हाउ मच 50 GB इट द टॉप 50 GB 4G, yes, and after that and when it finish 50 GB finish then finish over recharge 50 GB 30 15 6 GB
It is maximum. No unlimited? No. I bought before unlimited. Huh? Last year. Mobile operators taboo. All operator. MTS, yes, Megaphone, yes, yes. Beeline. No unlimited. No unlimited. How much? SIM card cost 450 rubles. 450 rubles. Yes. Okay. Recharge how much? Recharge, internet recharge? Recharge? 4G. Ah, 4G, yeah. GB recharge. Like, when this finish, 50 GB over, then what? I understand. ये बोल रहे सिर्फ 50 GB मिलेगा अनलिमिटेड में. पहले अनलिमिटेड था, मतलब अनलिमिटेड पूरा अनलिमिटेड जितना यूज़ करना है करो, अब सिर्फ 50 GB. चलिए फ़ोन ऑपरेटर ने चेंज कर दिया रूल. एप्पल का नहीं होगा, सैमसंग का है फ़ोन 20,000 में. A22 20,000 रूबल. रेडमी नोट 10S 20,000 का. ये भी मतलब इंडियन रुपीज़ में 14-15,000 होगा. Recharge will cost 3 gigabytes for 100 rubles. 100 rubles. Okay, I'll just wait outside. I'm waiting for my friend. Then I'll come. I'll come later. I'm okay, waiting. I will. Huh? I wait. Yeah, wait. Right. Thank you. तो देखते हैं एक बार, यहाँ वेट कर लेते हैं. MTS को खुलने वाला है 20 मिनट बाद. वहाँ पे हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर ये वाला ले लेंगे. अब कुछ नहीं कर सकते. स्टारबक्स में आया सिर्फ यहाँ पे वाईफाई यूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं वाईफाई यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, कहीं पे काम नहीं कर रहा, साइन इन नहीं हो रहा. फिर जाके इसने दिया, इनसे मैंने पूछा यहाँ का पासवर्ड क्या है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा था. फिर इसने अपना मोबाइल का दिया. हेलो, मैं निकल गया एयरपोर्ट से बाहर, मॉस्को के एयरपोर्ट से बाहर, और इतना ज़्यादा ठंड है. हम कोलकाता के लोग, हमको इतना आदत नहीं है ठंड का. तो -1 degree है, देखो कैसा हालत हो रहा है. यहाँ के लोग देखो, यहाँ के जो नॉर्मल रशिया के लोग हैं, बिल्कुल बिना ग्लव्स के है. मेरा तो ये ग्लव्स पहन के हाथ पूरा फ्रीज हो गया है. दिखने में नहीं लगेगा, लगेगा बिल्कुल नॉर्मल सा दिन है, लेकिन -1 degree हो रहा है. बात करने से स्नो पूरा धुआं निकल रहा है बहुत. अभी यहाँ से यंडेक्स गाड़ी बुक करने वाले, और बुक करके अभी जाएंगे शहर में, मींस हॉस्टल में जाने वाले आज थोड़ा देर. अभी जाकर वहाँ पे सो जाएंगे, और फिर देखते हैं शाम को जाएंगे रेड स्क्वायर प्रॉबेबली. अभी थोड़ा देर सोना ज़रूरी, क्योंकि कल रात से काफ़ी ज़्यादा थक चुका है. फिर सुबह इतना देर खड़ा रहकर अब सीधा जाके हॉस्टल में रेस्ट करेंगे, फिर निकलते हैं. हम लोग अभी टैक्सी में बैठ चुके हैं, और ये अंकल जो ड्राइवर है, ये उज़्बेकिस्तान से है. जब इनको पता चला कि हम लोग इंडिया से, तो इन्होंने इंडियन गाना लगा दिया. फिरोज खान का नहीं ये गाना, पता नहीं एक्टर को, नहीं पता चल गया, लेकिन गाना आज पहला बार सुना. कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर, अभी बारिश हो सकता है. काफ़ी ज़्यादा ठंड है, जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 0 degree इतना फील नहीं होगा, लेकिन ये ग्लव्स के बाद ही पूरा ऐसा लग रहा है कि कांटा के जैसा लग रहा था. इसमें काम नहीं होने वाला, कुछ और पहनना पड़ेगा अंदर. और फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ पे. अभी स्नोफॉल हो रहा था ना, इसलिए ठंडा था. स्नोफॉल में थोड़ा कम होता है. ये हम पहुँचे हैं मॉस्को के सबसे बेस्ट हॉस्टल में, सबसे बड़ा हॉस्टल है ये. अरे बैग कहाँ मेरा, मेरा बैग निकाल लिया है. और तो कुछ नहीं है, नहीं नहीं, पासपोर्ट यहाँ पे है. डबल डबल गेट होता है यहाँ पर, जो ठंड ज़्यादा होता है ना, इसलिए डबल गेट लगाते हैं. ठीक है,
बुकिंग था मेरा यहाँ पे, चलो बताते हैं इनको। हाय, हाय, आई हैव अ बुकिंग टुडे, आई मेड अ बुकिंग फ्रॉम हॉस्टल वर्ल्ड। हॉस्टल वर्ल्ड नॉट वर्किंग एनीमोर, हॉस्टल वर्ल्ड डॉट कॉम ऐप। हॉस्टल डोरी व्हाट, हॉस्टल वर्ल्ड, हॉस्टल वर्ल्ड ऐप, ऐप मोबाइल ऐप, हां, नॉट वर्किंग एनीमोर। I don't know. Can you please booking.com not working? No. Hostel World not working. It is also like booking.com. Can you please write? You booked through this app? What's your name? Shams Akbar. Found it? Okay. You first You are here first time, yeah? Yeah, first time. मेरा तो booking था, मैंने पहले से booking करवा लिया था, इनका हुआ नहीं है। सबसे best hostel है, अब अंदर से जाकर दिखाते कैसा होगा। अभी टैक्सी से निकले हैं, अभी जा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही famous टर्किश शवरमा का दुकान है, मुस्तफ़ा देमिर कबाब। भूख लगा काफ़ी ज़ोरों का, तो चलो यहाँ पे खाते हैं, आज देखते हैं कैसा है यहाँ का। कितना कुछ है यहाँ, अलग तरह का कबाब है, ये टिक्का लग रहा है, मटन का ही होगा, ये मटन बीफ है, वालेकुम अस्सलाम। देखो शवरमा स्कूल का, देनेर लबाशे चिकन, यस बीफ, यस चिकन एंड बीफ। अच्छा, तो चिकन एंड बीफ है फिलहाल अभी यहाँ पे। ओके, वी आर सेइंग क्या लेना है, बोलते हैं। कितना कुछ है यहाँ पे, देखो अदाना कबाब, अदाना वहाँ टर्की का कबाब ही है। खत्ते की सब ऊपर था, खत्ते की आज़ाद आज़ाद रूस की या तुर्क, तुर्की तुर्की शाश्ली का नहीं है यहाँ, शाश्ली शर्मा 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 चिकन बीफ, चिकन बीफ है, चिकन चिकन बिल्कुल चिकन 340 रूबल, फलाफल 360 है, वेजिटेरियन वेजिटेरियन है वो, फलाफल चिकन लेंगे, हम भी एक चिकन लेंगे, सैंडविच साथ, दुआ चिकन शवरमा दुआ, and one french fry один картошка фри, какой ну берем кола фанта айран не कोई आ गया हमारा शवरमा, फ्रेंच फ्राइज भी है, देखते हैं कैसा अच्छा होगा। अच्छा, काफ़ी अच्छा है, इंडिया के जैसे ही है। बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सब्ज़ी कम करता तो और अच्छा हो जाता। पहले दाम कम था लेकिन अभी रूबल का प्राइस काफ़ी गिर गया, सुबह से उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। यहाँ पे काफ़ी ऐसा शॉप है ना मॉस्को में जहाँ पे 150 रूबल्स में दे देते हैं शवरमा, लेकिन यहाँ पे दाम ज़्यादा है क्योंकि क्वालिटी अच्छा है यहाँ का। और ये काफ़ी फेमस शेफ है टर्की के, इनका बर्लिन में भी शॉप है।
अकेले तो पूरा खा नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। इतना सारा रूम है यहाँ हॉस्टल में, 300 पूरा फ्लोर में, ये सारे फ्लोर में सिर्फ हॉस्टल ही है। मीन्स हर रूम में काफ़ी लोग भरे हुए हैं, फीमेल्स मेल्स, कुछ कुछ रूम जो है सिर्फ फीमेल्स का है और कुछ सिर्फ मेल का है। देख लो भैया, मेरा ये वाला रूम है 309, कुछ में मिंग भी है, वहाँ भी दिखाते हैं। उसके रेट से भी जाने का है, मीन जाए सुनी से जा सकते हैं, चलो सुनी से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करने का पता नहीं, यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो बैठ सकते हो, चलो यहाँ पे बैठकर है, इसमें भी बैठने का है, काफ़ी अच्छा बनाया ऐसे ही सब, नंबर वन इसको हॉस्टल नहीं बनाया गया है। ऊपर में कुछ चल रहा है, यहाँ पे खाने का जगह है, ये देखते हैं ऊपर क्या चल रहा है। तो कोई एक्टिविटी चल रहा है यहाँ पे फीमेल्स का,